अपने भीजा माई की उड़ती कालीन जब मैं इसको लेकर अपार्टमेंट जाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, क्या साला धूप सेकने लेटे ऊपर, वो भी पूरी स्क्वाड चारों बंदे। इधर तो भाई फुल हो चुकी है जगह, अपने को अपना डाका कहीं और डालना पड़ेगा। तो फिर मैं एक रसीलादार गुलाब जामुन फेंक दिया और जब मैं साइड वाले अपार्टमेंट जा रहा था सामने से एनिमी की कार आ रही थी। अब हमें इस अपार्ट की छत पर उतरना था लेकिन अपना बंदा कहाँ चला गया। हेलो हेलो गाइस, बीजा भाई फाइनली एक और नया अपडेट ले आया। तो आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग मिलकर देखेंगे कि इसमें क्या आगा ये लोगों ने। तो लॉबी कुछ इस तरह हमें सजी पड़ी मिलती है, फिर कुछ नए नवाले एनिमेशन, और जो आपकी सबसे बढ़िया बात ये है कि वो हमेशा प्लेन पाथ में रहता है। कम से कम वो स्नोई विलेज की तरह भाई घड़ियां लेके चोटियां नहीं चढ़नी पड़ती है। अब चलो भाई बंदे मारने पर ध्यान देते हैं। काले गक्कू को मार दिया अपने ने। उसके बाद सामने की तरफ एक बंदा था जिसका नाम इनलीगल था और अपने ने उसको नॉक भी बड़े इनलीगल तरीके से दे दिया। बूम, क्या मारा, मेरे को दिखा भी नहीं था वो। अब आओ इसके टीम पे चढ़ जाते हैं। और सामने भी कोई यूट्यूबर ही था तो भी चलो उसको मार के आते हैं। इधर हम लोगों ने थोड़ा खोखो वोखो खेल लिया। ये साला भाई पीठ दिखा के भाग गया। और जब मैंने इसका पीछा करा तो इधर तो इनका पूरा खानदान जमा होके बैठा था। तीन लोग देखकर चौथा को भी मार ही देता बट टीममेट ने मार लिया। आगे जाके साइड में महल पड़ता जिधर हम लोग बिल्कुल नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरनाक कैंपर बैठे हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके यूज करते हैं पोर्टल स्टिक का। वैसे गाइस ये वाली पोर्टल स्टिक मैंने ऐसे ऐसे टाइम पे यूज किया भाई, मरते मरते बचाओ। एक बात ये देखो, ये गाड़ी जाके रुक जाती है पेट्रोल पंप पे, तो मैंने दो चार रैंडम नेट फेंक दिया आगे और वही ग्रेनेड फेंक के जो पोर्टल स्टिक हगी है ग्रेनेड के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूँ मैं। मेरे को खुद को नहीं पता मैं कैसे बच के भागा। मैं लग गया ग्रेनेड भाग। अब यहाँ पे देखो मेरे को सामने वाली बिल्डिंग के छत पे जाना था बट ये लग ही नहीं रही थी। वैसे एनिमी का दश आ गया तो मैं एक और बार ट्राई करने गया, एनिमी मुंह के सामने से निकला मेरे। देखा जाए तो ये बहुत ही ओपी चीज है टेलीपोर्ट होने वाली। जैसे अगर मान लो सामने वाली बिल्डिंग पे एनिमी है तो उनको बिना बताए हम उनकी छत पे आ सकते हैं। वैसे एनिमी पहाड़ियों में हगने को भागे थे, ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं जाता लोटा लेके। पर इनको नॉक नॉक देके अपन वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं क्योंकि पता नहीं घर को बनाने में ईंटें कम पड़ गई, सालों ने साइड से इतनी खुली जगह छोड़ दी। रुको रुको, मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जैसा कि तुम लोग जानते होंगे BGMI अब यूनिपिन पे आ चुका है, वो भी बोनस यूसी ऑफर्स के साथ। यूनिपिन है 100% सेफ एंड इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर परचेसिंग इन गेम क्रेडिट्स। यकीन नहीं होता तो देखा, क्राफ्टन अप्रूव्ड है। प्रूफ चाहिए? ये देखो, यूनिपिन है BGMI का ऑफिशियल पार्टनर। क्राफ्टन की गारंटी है यूनिपिन पर। विश्वास नहीं होता तो देखो, क्राफ्टन की वेबसाइट पर भी है बाय फ्रॉम यूनिपिन। अब आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आई रिकमेंड ओनली यूनिपिन क्योंकि ये है BGMI की यूसी परचेस करने का सबसे फास्टेस्ट वे। और जब तुम लोग यूनिपिन से यूसी खरीदोगे तब तुम्हें मिलेगा 26% का बोनस यूसी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 26% बोनस यूसी जो कि इन गेम से भी सस्ता है और वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब कौन सा बहाना दोगे भाई तुम, इसलिए गाइस अब भी जाइए एंड यूनिपिन से यूसी टॉप अप कीजिए। ये देखिए टॉप अप कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे टाइप करके तुम्हें यहाँ पे आके साइन अप कर लेना कुछ इस तरह, और लो गाइस इजीली तुम्हारा अकाउंट बन गया। उसके बाद तुम अपनी BGMI की आईडी डाल देनी है, उसके बाद जो वाला बंडल तुम्हें चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तुम सारे बोनस ऑफर देख सकते हो, 60 यूसी की जगह 66, 300 यूसी की जगह 360, 600 यूसी की जगह 720 और 1500 यूसी की जगह सीधा 950 यूसी। और पेमेंट के लिए तुम लोग देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन दे रखे लोगों ने, तो तुम जिससे करने वाले तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। अपने यहाँ पे गूगल पे चूज किया एंड गाइस गेम रीस्टार्ट करते ही यूसी तुम अपना अकाउंट में देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर में ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स से अपडेटेड रहने के लिए यूनिपिन को इंस्टाग्राम फेसबुक एंड यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब नो बहाना, यूनिपिन को ही अपनाना। यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ होता है, ये वाले बंदे को जो मारा है भाई बहुत बुरा लगा, तो ये सीढ़ियों से नीचे भाग जाता है। और जो टीममेट अपना पीछे से आ रहा होता है वो नई पावर वाला ग्रेनेड फेंक देता है जिसके एरिया में जो भी होगा वो नाचता रहेगा। तो ये बंदा भाई बहुत बुरा हुआ इसके साथ, तुम एक बार खुद सोचो भाई तुम ऐसी मौत मरो। इसकी टीम का लास्ट बंदा बाहर था जिसके साथ भी कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ, तो जब ये मेरे को मार रहा था तो पीछे एक दूसरी टीम आ गई जिसने इसको नॉक दे दिया और मैं उनके मुंह के सामने उनका किल चुरा के आ गया। और गुस्सा तो किसी को भी आ जाएगा, मेरे को भी नॉक दे दिया। फिर उसके बाद टीममेट ने बैठ के 100 सुट्टे भूखे तब जाके इतना धुआं पैदा हुआ, इसके फेफड़े की ऐसी तेजी हो गई जिससे एनिमी का कष्ट ये झेल नहीं पाया। फिर यहाँ से अपना भी जवाब ही हमला गया, ईंट का जवाब पत्थर से, उसने एक नॉक दिया, अपने दो नॉक दिए। लास्ट बंदा एक जो यहाँ पे नई शिप उसमें बैठा हुआ होता है और वो अपने को ये वाले एंगल से दिख नहीं रहा था, तो मैं चला गया सीधा इसके घर के ऊपर जहाँ से अपने इसको इजीली मार दिया और ये पूरा एरिया हमने क्लियर कर दिया। मतलब अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है। अब मैं चला भाई स्पेशल लूट लेने जिधर एयरड्रॉप की जगह अपने को एक जीनी आके सब देगा। ये सीधा सीधा भी सब कुछ दे सकता लेकिन इसको नाचना भी जरूरी है। भाई साले का पेट नहीं दुखता होगा, कितना नाच रहा है। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड था भाई, ये जीनी का साबुन कुछ ज्यादा ही स्लो है। जो नई गन ऐड हुई है वो भी हमको दे देता है जिसके अंदर कोई स्कोप नहीं लगता है, और जूम इन करने के लिए स्कोप के अंदर एक स्कोप है 2x लग रहा भाई है। बाकी अभी मैंने ज्यादा इस गन को चलाया नहीं है बट जितनी भी क्लोज इन फाइट ली है उसमें अच्छी खासी चली है। यहाँ पे भी इसने क्लोज इन फाइट इजीली जिता दी।
वो बात अलग है, फ्री फायर मार के फाइट जीत गए और ये हमें सिर्फ एड पे मिलती है देखने को। तो तुम देख सकते हो सारी चीजें जो अपने को मिली। फिर मैप का जो भाई बड़ा किला उसको देखने हम गए, तो यहाँ पे छुपने छापने के लिए कुछ ज्यादा ही कवर दे रखे इन लोगों ने। अच्छी बात है अपन आए नहीं इधर, अब अपन मेन किले में आ चुके हैं और फाइनली यहाँ पे अपने को नाइट मोड भी देखने को मिल गया। वैसे गाइस कमेंट के अंदर बताओ तुम्हें कौन सा वाला मोड ज्यादा पसंद है, डे वाला या नाइट वाला। नाइट वाले में हमने फाइट नहीं ली, तो पता नहीं भाई बंदे दिखेंगे भी के नहीं। और जब मैंने भाई ये पेटी खोली और क्या लूटे, शॉप में जो अटैचमेंट 10-10 रुपए के मिलते वो सारे दे रखे इन लोगों ने। उसके बाद हम लोग फाइनली अपना जो एंगल मैप है उसमें आ जाते हैं। सवारी भेज दिया इन लोगों ने, भाई एनिमे छोड़ो काला कुत्ता नहीं मिलेगा इधर। बट अपने पास उड़ने वाली कालीन थी तो हम उसको लेके निकल गए बंदे ढूंढने। कुछ ज्यादा ही लंबा सफर हम लोगों ने तय किया बट वो काम आया क्योंकि हमें सामने एनिमे दिख गए। मैं अपने उड़ते कालीन पर धीमे धीमे आगे बढ़ा, सामने की तरफ मुझे दो बंदे दिख गए जिनको अपने ने कुछ इस तरह मारा। पास में इनका एक और टीममेट था जिसको भी मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, सही टाइम पे पीछे आ गया और टीममेट ने इसको इजीली मार दिया। अब टीममेट आया तो था अपने को बचाने, बट जब वो भी ज्यादा आगे जा रहा था तब एक साइड में बैठा सांप ने इसको पूरा धन दिया और यहाँ पे इनकी पूरी स्क्वाड इजीली वाइप हो गई। बट बेचारा अपने टीममेट के साथ हादसे हो गए। और देखो कितना अच्छा टीममेट, इसकी पेटी नहीं लूटी मैंने। और ये उड़ती हुई शिप जहाँ पे कसम से डाकुओं की तरह कैंपर लोग डाका जमा के बैठे होते हैं, गलती से एक बार हम चले गए। पहले मैंने सोचा ये शिप तो भाई उड़ती रहती है, इतनी बोरिंग जगह पे कौन बैठा रहेगा, तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऊपर एनिमी मिलेंगे। बट ऊपर साली दो स्क्वाड बैठी थी और मैंने अपने टीममेट को नाश्ता कर दिया। तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, अपना फ्यूल खत्म हो गया वैसे कालीन का, वरना मैंने सोचा भाई सामने वाले वेयरहाउस में जाके इन वाले बंदों को इजीली मार देता अपन। और ये शिप एक जगह पे आके भर भर के एयर ड्रॉप छोड़ती है, वो कैंपर नूबों की तो पार्टी हो जाती होगी इतने में। अब यहाँ पे अपने टीममेट पे हमले हो जाते हैं, वो भी बेवड़े बगी वालों के। एक बंदे ने जाके भाई सीधी ठोक दी। अब मैंने बोला भाई कितना फ्री का किले है, अपन स्क्वाड्स में रुकेंगे वहां से उसको इजीली मार देंगे। बट वो बेवड़े बगी वाले से ज्यादा नशे में भाई अपनी कालीन थी बेला को नीचे फेंक दिया। मैंने सोचा उसने भाई कहां देखा होगा, मौली फेंक देता हूं चुपचाप, अगर मैं नॉक हो जाता ना कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ती है मौली अपने को। बाल बाल जान बची है। उसके बाद अपने उसको क्या मारा वो देखो, ये अब बगी में नहीं बैठने वाला। अब सामने की तरफ कुछ न्यू बंदे आ जाते तो हमने सोचा चलो जाके उनको मार के आते, बट जो नशेड़ी काली ने हमको धोखा दिया है ना, तुम खुद देखो एक बार भाई कौन करता है ऐसा। मतलब भाई मैं बोलूं भी क्या, धोखा दिया उस काली ने हमें, मेरी तो मुझे कोई गलती दिख ही नहीं रही। पूरी टीम के सुपड़े साफ हो गए अपने, वहां जाके देखा तो एक भी एनिमी नहीं बचा हुआ मिला और मैं बुद्धू बेवकूफ की तरह नशेड़ी काली पे वापस बैठ गया। उसके बाद तो तुमने खुद देख लिया इंटरव्यू में अपने साथ क्या हादसा हुआ। वैसे एक और बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही गेम में, तो यहाँ पे कुछ बंदे अपने टीममेट को मार रहे थे, मेरे को गोलियां चलानी थी लेकिन अपना बंदा भाई स्मोक मोली फेंकने में से ऊंचा नहीं आ रहा है, कन निकाल के पीछे तक दिया मैं गोली चला। सबसे पहले मैंने सामने वाले बंदे को नॉक दे दिया, जो दूसरा बंदा पानी में था मैंने उसको भी मार दिया। अभी तक सब मस्त चल रहा था लेकिन अचानक पीछे से एक बंदा नॉक दे देता है, पता नहीं धुएं में किधर बैठेला था, अपना टीममेट उसको नॉक दे देता है और फिर अचानक सबकी गेम क्रैश हो जाती है। जब मैं वापस आता हूँ तो जिसने अपने टीममेट को नॉक दिया था वो भी एस के खड़ा है, तो भाई पता नहीं है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो सरोवर इतना खतरनाक लैग मार रहा था, मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता है, मैंने सामने वाले बंदे को गोलियों में नहला डाला और फिर 1.5 घंटे के बाद अपने को नॉक मिल गया और यहाँ पर अपन बिना स्टिक के टेलीपोर्ट हो रहे थे। बहुत बढ़िया भाई, कम से कम आगे टेलीपोर्ट कर दे, क्या बार बार पीछे फेंक देला है। जैसे तैसे हम लोग इस वाले घर की छत पे आ गए, एक बगी वाला सोमड़ी में निकल लेला था अपने फुल 6x के स्प्रे ने, जब उसका टायर फोड़ा तो उसकी पूरी गाड़ी उल्टी हो गई और नंबर 4 की M4 में M249 की आत्मा घुस गई। और यहाँ पे भाला फेंकने के छोटे इवेंट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें क्या करना मेरे को पता नहीं लेकिन बेइज्जती करवा ली मैंने। ये देखो भाई क्या घिरा, फाइनली 10 बार घिरने के बाद पता लगा कैसे फोड़ते हैं। तो इधर से हमें लूट मिल जाती है जो कि अच्छी बात है, लेकिन कैसे अगर हम इसको होल्ड करके रखते तो भाई कितना दूर जाता है देखो, शरीर की आधी हड्डियां तो यहीं टूट जानी चाहिए, बट बच गया अपना बंदा। और गाइस नीचे लूटने के लिए सबसे बेस्ट जगह ये फेस्टिवल टाउन ही है, इतनी भर भर के लूट होती है ना इधर। इनका जो ये सीक्रेट डोर है मैं इधर गया लूटने, डब्बा खोलना छोड़ो भाई बाहर ही अपने को लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट देखने को मिल गया और अंदर से M4 निकलती है वो भी फुल अटैचमेंट के साथ। और जब तुम्हारे भूखे नंगे टीममेट इसको लूट दे लो तब तुम ये नत्ता ग्रेनेड फेंक दो, वो लोग लूट ही नहीं पाएंगे, इससे तुम्हें भी लूटम लाटी करने का बराबर का मौका मिलेगा। बाकी बस आज वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।